हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे कैनन के तीन बहुत ही बेहतरीन कैमरे जो कि वीडियो के लिए बहुत सही हैं। तीनों में आपको डुअल पिक्सल ऑटो फोकस मिल जाएगा, तीनों में आपको फ्लिप आउट स्क्रीन मिल जाएगी, फोटोग्राफी के लिए भी तीनों बहुत बेहतरीन है गाइस। तो बात कर रहे हैं हम कैनन 200D, कैनन 800D और कैनन 77D की। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको फोटोग्राफी से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है गाइस। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ 200D, जो कि प्राइस में सबसे कम है, ठीक है। ये वाला, इसमें आप देख सकते हैं फ्लिप आउट स्क्रीन है और इसका वज़न 450 ग्राम है। ये कैमरा भी आपका 2017 में लॉन्च हुआ था, तो 4 साढ़े 4 साल पुराना ये हो चुका है। फिर उसके बाद आपका आता है, ये इससे थोड़ा सा एडवांस्ड है, ये है आपका 800D, देख सकते हैं आप। तीनों कैमरों में आपको माइक इनपुट मिल जाएगा, तीनों में आपको डुअल पिक्सल ऑटो फोकस मिल जाएगा। वीडियो मेकिंग, व्लॉगिंग, यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए एकदम बहुत अच्छे हैं, ऑटो फोकस तीनों का बहुत शानदार है। अब हम सबसे इसमें जो प्रोफेशनल वाला कैमरा है उसकी फ़ोटो देख लेते हैं। यह है आपका 77D, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें भी आपको फ्लिप आउट स्क्रीन मिल जाती है, साथ में इसमें आपको ऊपर में एक छोटी सी LCD स्क्रीन भी मिल जाती है। तो तीनों कैमरे आपके 2017 में लॉन्च हुए थे। अब हम बारी बारी से इनमें क्या क्या डिफरेंस है उसकी बात कर लेते हैं गाइस। तो पहले हम बात करेंगे जो सबसे सस्ता और सबसे मिडिल रेंज का कैमरा है। तो ये वाला कैमरा आपको 200D सबसे चीपेस्ट हो गया, ठीक है। अगर हम इसकी आज की तारीख में सेकेंड हैंड में इसके प्राइस रेंज की बात करें, तो ये आपको 25,000 में ईज़िली मिल जाना चाहिए, ठीक है। 20 और 25 के बीच में आपको मिल जाएगा, उससे ज़्यादा आप इस कैमरे के लिए पे ना करें गाइस, ठीक है। और ये वाला जो आपका कैमरा हो गया 800D, ये आपको 25 और 30 हज़ार के बीच में मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, ठीक है। तो 25 और 30 के बीच में अगर आपको ये मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा प्राइस रहेगा। अब इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं। तो गाइस, ये जो तीनों कैमरे हैं तीनों 24 मेगापिक्सल के हैं, ठीक है। तीनों के अंदर सेम सेंसर है गाइस, एग्जैक्टली सेम सेंसर है। तो इमेज क्वालिटी की अगर हम बात करें तो तीनों में एग्जैक्टली सेम इमेज क्वालिटी निकल के आएगी, इसमें भी, इसमें भी, और वो जो तीसरे वाला रखा हुआ है 77D, उसमें भी एग्जैक्टली सेम वीडियो में भी क्वालिटी निकलेगी और फोटो में भी सेम क्वालिटी निकलेगी। लेकिन बाकी जो फीचर्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो कैमरा है इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ 9 ऑटो फोकस पॉइंट है और इस वाले में आपके 45 ऑटो फोकस पॉइंट है। तो उस मामले में ऑटो फोकस, अगर फोटोग्राफी की बात करूँ तो इस वाले में थोड़ा बेहतर मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें आपके 9 ऑटो फोकस पॉइंट है, तो फोटोग्राफी में आपको इतना अच्छा ऑटो फोकस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम वीडियो की बात करें तो वीडियो में दोनों एग्जैक्टली एक जैसा ऑटो फोकस देंगे, क्योंकि दोनों में आपका डुअल पिक्सल ऑटो फोकस है। तो ये जो आपके 9 और 45 जो ऑटो फोकस पॉइंट है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं। जब आप लाइव व्यू को यूज़ करते हो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तब आपका डुअल पिक्सल ऑटो फोकस यूज़ होता है और वो दोनों में एग्जैक्टली सेम है। तो वीडियो में भी ऑटो फोकस एग्जैक्टली सेम आएगा, वीडियो की क्वालिटी भी एक जैसी आएगी, सब कुछ एक जैसा आएगा गाइस। और दोनों में आप फुल HD में 60 फ्रेम पर सेकेंड तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें भी आपको माइक कनेक्ट करने का पोर्ट मिल जाएगा, और इसमें भी दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको, इस वाले को मैं पूरा का पूरा आपको एक बढ़िया इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इसमें माइक को कनेक्ट कर सकते हैं, ऊपर से ये कैमरा ऐसा दिखता है, ठीक है। इधर पे इसमें HDMI को कनेक्ट करने के लिए इधर पे पोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें SD कार्ड को डालना है तो SD कार्ड आपका यहाँ से पड़ेगा, ये आप यहाँ से बैटरी को खोलोगे और ये आप देख सकते हैं ये SD कार्ड डालने का इन्होंने स्लॉट दिया हुआ है, ठीक है। ये एक मेन डिफरेंस हो गया। पीछे से आप देखो इसके जो बटन है वो थोड़े छोटे हैं। अब आप इस वाले कैमरे की बात करो 800D की, देखो आपके सामने सामने इसमें आपको देखो थोड़े बड़े मिल जाएंगे बटन, इसमें आपको थोड़े छोटे मिलेंगे बटन, ठीक है। बाकी बटन तो एग्जैक्टली सेम है जो इसमें है। इसमें आपको SD कार्ड
इधर डालने का स्लॉट मिल जाएगा। तो आपको जब एक बार आपने ट्राइपॉड पे इसको कैमरे को सेट कर दिया तो आपको खोलना नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से अपना एसडी कार्ड निकाल सकते हैं। दूसरे वाले के इस वाले के केस में आपको अगर आपने ट्राइपॉड पे इसको लगाया हुआ है तो आपको ट्राइपॉड से इसको उतारना पड़ेगा, फिर एसडी कार्ड को निकालना पड़ेगा, तो एक आपके लिए एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ जाएगी। बाकी अगर इसके टॉप डायल की बात करें तो ऑलमोस्ट यार एक जैसे ही है जैसे आपके कैनन के सभी कैमरों में होते हैं। इसमें ये जो आपको ऑन ऑफ का है यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा मिल गया ये बटन, और इसमें आपको ऑन ऑफ और ये थोड़े छोटे मिल रहे हैं ऑन ऑफ और वीडियो का। देखो ये आपको थोड़े बड़े मिल जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा डायल और बड़ा बटन, ठीक है। तो ये तो मेन इसकी फीचर होगी। अब बाकी फीचर की बात कर लेते हैं। इसमें आपके 9 ऑटो फोकस पॉइंट है और इस वाले में आपके 45 ऑटो फोकस पॉइंट है। उसके अलावा इसमें आपको जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो वीडियो के अंदर इसमें एक एंटी फ्लिकर मोड भी है, तो कई बार आपकी जो वीडियो हल्की फुल्की फ्लिकर करती है तो ये उसको दूर कर देगा। उसके अलावा इसमें वीडियो में आपका इमेज स्टेबलाइजेशन भी है, तो हल्की फुल्की अगर आप शेकी वीडियो हो रही है, आप हाथ में कैमरे को लेकर अपनी वीडियो शूट कर रहे हो तो आपके हाथ का जो शेक होता है ये उसको हल्का फुल्का रिड्यूस कर देगा, लेकिन वो सिर्फ डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन है गाइस। उसके अलावा गाइस दोनों में वाईफाई है, एग्जैक्टली सेम फीचर्स हैं, जो फीचर इसमें है वही फीचर इसमें है, दोनों में सेम प्रोसेसर है, सेम सेंसर है, एग्जैक्टली सेम इमेज क्वालिटी निकल के आएगी, ठीक है। इन दोनों में से आपको चूज़ करना है तो कौन सा करें, अगर मेरी मानो तो आप ये वाला चूज़ कर लो, क्योंकि ये आपको सस्ता मिल रहा है। इसमें आपको 9 ऑटो फोकस पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने अगर आपको बताया कि अगर आप फोकस और रिकम्पोज की टेक्निक को यूज़ करो तो 9 ऑटो फोकस पॉइंट तो क्या, आपके लिए 1 ऑटो फोकस पॉइंट भी काफ़ी है गाइस, उससे भी आप बहुत बेहतरीन फोटोग्राफी कर सकते हो। और वीडियोग्राफी के लिए तो यार इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि सेम डुअल पिक्सल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी दोनों में है, दोनों में एग्जैक्टली सेम ऑटो फोकस मिलेगा आपको, सेम वीडियो की क्वालिटी मिलेगी। इसमें भी माइक है, इसमें भी माइक है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें आपको थोड़े छोटे बटन मिल रहे हैं, एक थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज है, बट अगर आप इसको हर रोज़ यूज़ करोगे तो आपके हाथों को आदत हो जाएगी छोटे बटन की, ठीक है। इसमें आपको एसडी कार्ड थोड़ा अंदर यहाँ से बैटरी वाले डोर से निकालना पड़ेगा, बस एक ड्रॉबैक है। इसमें आपको ये 2-3 फायदे एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ये कैमरा आपको 5-6 हज़ार रुपये सस्ता मिल जाएगा इस कैमरे के मुकाबले, तो आप इसको बेशक ले सकते हैं गाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं 77D और 800D, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब इन दोनों की बात कर लो तो इसमें भी वही सेंसर है, इनफैक्ट ये जो तीनों कैमरे हैं तीनों में एग्जैक्टली सेम सेंसर है, तो इसकी और इसकी भी इमेज क्वालिटी सेम आएगी, 24 मेगापिक्सल का है ये। अब ऑटो फोकस पॉइंट की बात करें, इसमें भी आपके 45 ऑटो फोकस पॉइंट है, इसमें भी आपके 45 ऑटो फोकस पॉइंट है, हर चीज़ इन दोनों में एग्जैक्टली सेम है। इसमें भी आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, इसमें भी मिल जाता है, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में। डिफरेंस है गाइस इनकी बॉडी में, इसकी बॉडी थोड़ी सी हैवी है। जो अगर मैं 800D की बात करूँ, ये आपका 530 ग्राम का है और ये आपका 570 ग्राम का है, और वो जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया 200D वो आपका 450 ग्राम का है, तो वो सबसे हल्का है। तो इसमें आप देख सकते हैं आपको टॉप LCD स्क्रीन भी मिल जाती है, और इसमें आपका ये मोड डायल इस तरफ है और इसमें आपका मोड डायल दूसरी तरफ है। इसके मोड डायल में आपको एक लॉक मिल जाता है ताकि आपकी सेटिंग अपने आप से चेंज ना हो गाइस, ठीक है। उसके अलावा गाइस इसमें आपको पीछे में एक और डायल मिल जाता है जिससे कि आप एपर्चर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मैं दिखा लेता हूँ, ये वाला डायल, एक और गोला मिल गया आपको, ठीक है। तो आप एपर्चर की वैल्यू को इससे एडजस्ट कर सकते हैं, एक्सपोजर कॉम्पनसेशन को भी आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी जब आप मीनूज वगैरह में जाते हो उनको भी आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन इस वाले में आपको ऐसा कोई गोला नहीं मिलेगा। बाकी यार इन दोनों में ही आपको साइड में एसडी कार्ड डालने की स्लॉट है, इसमें भी आपको माइक इनपुट वगैरह मिल रहा है, इसमें भी आपको सब कुछ मिल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है बाकी, ठीक है। मेन डिफरेंस यही है, तीनों कैमरों में आपको टच स्क्रीन मिल जाती है गाइस। जो 200D है उसमें भी आपकी टच स्क्रीन है, तीनों की आपकी फ्लिप आउट स्क्रीन है, ठीक है, तीनों का एक जैसा आउट ऑफ फोकस है।
अब इसके प्राइस की बात कर लें तो गाइस, अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको 35,000 के आसपास पड़ेगा। इसकी बॉडी आपको थोड़ी प्रोफेशनल मिल जाती है क्योंकि इसमें ऊपर ये सेटिंग्स देखने के लिए एक LCD स्क्रीन है, तो आप इसमें अपनी अपर्चर, शटर स्पीड और बाकी सेटिंग्स को देख सकते हो। तो थोड़ा ये आपको प्रोफेशनल लुक देता है इसकी आपकी, क्योंकि पीछे में एक और डायल है तो आप ईजिली अपर्चर को सिंगल बार घुमा के ही इजिली एडजस्ट कर सकते हो। इस वाले में आपको ये जो प्लस माइनस वाला बटन है AV वाला, इसको दबा के और फिर डायल को घुमा के तब आपको अपर्चर को एडजस्ट करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन सा कैमरा आपको लेना चाहिए इन तीनों में से। गाइस, अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो ये वाला ले लो, इसमें आपको यूज़ करने में थोड़ा आसान रहेगा बस, बाकी सब चीज़ों से सेम है। फ़ोटो ये भी वैसे ही लेगा, वीडियो ये भी वैसे ही लेगा, चाहे आप 200D ले लो, सिर्फ इसमें आपको थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा क्योंकि ऊपर टॉप LCD स्क्रीन मिल जाती है, थोड़ा आपको प्रोफेशनल वाली फीलिंग आ जाएगी, थोड़ा सा काम आपका आसान हो जाएगा क्योंकि इसमें आपको थोड़े बड़े बटन्स मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। तो अगर पैसे की, बजट की कोई टेंशन नहीं है तो ये वाला ले लो, लेकिन अगर आपको बेस्ट कैमरा चाहिए अपने बजट में तो मैं कहूँगा 200D ले लो। आज की तारीख में भी YouTube के लिए सबसे बेस्ट कैमरा है गाइस, फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड करता है 60 FPS में। उसके अलावा गाइस, इसमें आपको माइक इनपुट भी मिल रहा है इस प्राइस रेंज में, फोटोग्राफी के लिए भी ये तगड़ा है कैमरा, ठीक है गाइस। और वेट भी इसका कम है, सिर्फ 450 ग्राम का है, तो काफ़ी हल्का है। बाकी सारी चीज़ें इन तीनों कैमरों में एक जैसी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 25,000 से कम में आपको ये मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन क्या कंडीशन है, कितना यूज़ किया हुआ है, ठीक है। 18-55 वाले लेंस के साथ ईजिली मिल जाएगा गाइस। और अगर आप इस वाले कैमरे में 50mm का STM वाला लेंस लगाओगे तो बहुत ही बेहतरीन आप सिनेमेटिक वीडियोस बना सकते हो गाइस, क्योंकि डुअल पिक्सल ऑटो फोकस है, तो वीडियो में इतना शानदार ऑटो फोकस रहेगा STM लेंस के साथ, तो आपको मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल स्मूथ ऑटो फोकस होगा, बिल्कुल भी हंटिंग नहीं होगी गाइस। तो 25,000 के आसपास में आपको ये मिल जाएगा। अगर इससे थोड़ा सा आपको बजट बढ़ाना है तो 25 और 30 के रेंज में आपको मिल जाएगा 800D। इसमें जैसे मैंने आपको बता दिया, आपको साइड में ये SD कार्ड डालने का स्लॉट मिल रहा है और इसके बटन्स थोड़े से बड़े हैं। इसमें आपको वीडियो में इमेज स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है गाइज। और फिर अगर आपको और अपना बजट बढ़ाना है तो 35,000 में आपको ये वाला मिल जाएगा, जिसमें कि आपको टॉप LCD स्क्रीन भी मिल रही है और एक आपको ये सेकेंडरी डायल यहाँ पे मिल रहा है अपर्चर को एडजस्ट करने के लिए गाइस। तो इसके अलावा गाइस, इन तीनों कैमरे में कोई डिफरेंस नहीं है। बात आ जाती है आपके बजट की, जितना आपका बजट है उस रेंज में कौन सा कैमरा आपके लिए सही बैठ रहा है। तो 200D अगर आप लोगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फोटोग्राफी के लिए भी एकदम तगड़ा है और वीडियो के लिए तो यार नंबर वन है। अगर आप व्लॉगिंग करते हो, यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हो, बहुत शानदार कैमरा रहेगा कैनन 200D आपके लिए, इवन आज की तारीख में भी गाइस, ठीक है गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो।